बारिश का मौसम आते ही सांप काटने के मामलों में बढ़त देखने को मिलने लगती है। बारिश में इन सांपों के बिलों में पानी भरने लगता है। इस कारण वो बिल से निकलकर लोगों के घर या फिर आसपास रखी चीजों के अंदर छिप जाते हैं। कभी घर के बाहर रखे जूते चप्पल में सांप मिलते हैं तो कभी हेलमेट के अंदर। हाल ही में कोटा के एक यूनिवर्सिटी कैंपस में तब हड़कंप मच गया जब वहां एक स्कूटी की सीट के नीचे से जहरीला सांप निकला। मामला कोटा के वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कैंपस का है। जानकारी के मुताबिक कैंपस के बाहर खड़ी एक स्कूटी की सीट खोलकर जब स्टूडेंट ने हेलमेट निकालना चाहा तो उसके होश ही उड़ गए। सीट के नीचे एक कोबरा फन फैलाए बैठा था। काफी मुश्किल से स्नैक कैचर ने सांप को स्कूटी की सीट से बाहर निकाला और फिर जंगल में छोड़ दिया। अगर जरा सी भी देर होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक आरकेपुरम निवासी सोनू मीणा अपनी बहन के साथ कॉलेज आया था। उसने स्कूटी को परिसर में लगाया और अंदर चला गया। इस दौरान परिसर में एक बाइक के अंदर सांप दिखाई दिया। भाई बहन ने मिलकर बाइक से सांप को निकालने में मदद की। इसके बाद सांप अचानक से गायब हो गया। थोड़ी देर बाद जब सोनू ने अपनी स्कूटी की सीट को उठाया तो देखा कि सांप उसी के अंदर छिपा हुआ है। जैसे ही भाई बहन ने स्कूटी की सीट के नीचे सांप देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने काफी प्रयास किया लेकिन कोबरा को बाहर नहीं निकाला जा सका। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने स्नैक कैचर गोविंद शर्मा को बुलाया। काफी मेहनत के बाद उन्होंने 3 फीट के कोबरा का रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। स्कूटी में कोबरा की खबर परिसर में आग की तरह फैल गई। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।